आपको पहनाएंगे, पहनेंगे बासंती चोला और सबको पहनाएंगे। अब की बार बसंत पर्व हम ऐसे नहीं मनाएंगे। परम सिद्ध डॉक्टर साहब से प्रार्थना, इस वर्ष शांति कुंज का संदेश, पूज्य गुरुदेव का संदेश हम सबको देने की कृपा करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के सन 2002 के इस वसंत पर्व की वेला में शांति कुंज गायत्री तीर्थ के प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, हमारी देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, परिवर्तन इस सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन के बिना वास्तव में ये जीवन नीरस हो जाए। उत्तरी ध्रुव के पास कई शहर ऐसे हैं जहां पर केवल एक सौभाग्य भरा दिन ऐसा आता है जिसमें कि 24 घंटे दिन बना रहता है, और एक समय ऐसा आता है जनवरी की 27 तारीख को जब उनके यहाँ कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए सूरज दिखाई पड़ता है 6 महीने की अंधेरी रात के बाद, और थोड़ी देर के लिए सूरज दिखाई पड़ता है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और वहां क्योंकि उसके आगे कहीं आबादी नहीं है, अलास्का क्षेत्र अमेरिका का, और उसमें एक गांव, और उस गांव के करीब 240-250 रहने वाले, उसमें 3-4 होटल, उन होटल में रहने वाले ऊपर खड़े होकर के देखा करते हैं, जैसे सूरज दिखाई दिया उसको देख करके उसके स्वरूप को धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मिनट बाद ये चला जाएगा, अस्त हो जाता है। धीरे धीरे 2 मिनट की अवधि बढ़ती चली जाती है, और जुलाई में एक ऐसा समय आता है, जून के अंतिम समय में ऐसा समय आता है जबकि वो थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे बना रहता है, फिर धीरे धीरे समाप्त होना चालू होता है, और सितंबर आते आते, अक्टूबर आते आते ऐसा समय आता है जब रात्रि भर अंधेरी रात बनी रहती है, सूरज नहीं दिखाई पड़ता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। मित्रों, ये जो वसंत है, इस वसंत का इतना महत्व बताया गया है कि इसको, जैसे जीजी ने आपसे कहा कि ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा, और ये वसंत जिस किसी के जीवन में आता है उसके जीवन में क्रांति कर देता है, उसके जीवन में बदलाव ला देता है। ये तो युग वसंत है, युग परिवर्तन की वेला में आया हुआ वसंत है, युग परिवर्तन की वेला में आया हुआ वसंत है, और ऐसे युग निर्माता, ऐसे युग ऋषि, ऐसे युग पुरुष, ऐसे दृष्टा के जीवन में आया हुआ वसंत है, जो हम सबको उत्तराधिकार में मिला वसंत है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी दोनों के जीवन में इस वसंत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1980 में परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रवचन दिया था, और गुरुदेव ने कहा था, मैं शिक्षालय नहीं बनाता, मैं शिक्षालय बनाने वाला कोई उद्योगपति नहीं हूं, मेरे दिमाग में जो कल्पना है वो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उस प्रवचन में कहा है, जिसको कि आप गुरुवर की धरोहर भाग 2 के पृष्ठ 80 पे पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है, मेरे सपनों का विश्वविद्यालय मेरे बाद जाने के बाद 10-15 वर्ष के अंदर उत्तराधिकारी खड़ा, हमारे उत्तराधिकारी खड़े कर देंगे। और इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे समाज में ऐसी क्रांतिकारी विधा फैलेगी, क्रांतिकारी चेतनता फैलेगी कि जिससे कि लोगों के जीवन बदलते देखे जाएंगे। मित्रों, साधन संपन्न विश्वविद्यालय समाज में ढेरों हैं, साधनों के माध्यम से विश्वविद्यालय खड़े होते हैं सब जानते हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम साधनों से नहीं, हम साधना से विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे, हमारा विश्वविद्यालय साधना पर आधारित होगा, और ये साधना ऐसी होगी जिस साधना के आधार पर लोगों के मनों को ढालने का, लोगों के अंतःकरण को बदलने का एक जो शिव संकल्प हमने लिया है वो पूरा करेंगे हमारे कार्यकर्ता, और उसके माध्यम से देखते देखते अगली पीढ़ी तैयार होती चली जाएगी। जीवन जीने की कला वाली कहीं शिक्षा दिखाई नहीं पड़ती, कहीं आपको दिखाई पड़ती हो तो बताइए कि जीवन जीने की कला का एक फैकल्टी में कहीं शिक्षण किया जा रहा है जिससे कि आदमी जीवन कैसे जी सके। हाँ, मैनेजमेंट जरूर पढ़ाया जाता है, पर ये मैनेजमेंट क्या है? औरों का मैनेजमेंट,
प्रबंधन, तो प्रबंधन तंत्र वो जो जिसमें मैनेजर बने, कार्यकर्ता बने, स्वयंसेवक बने, ऐसा कोई तंत्र नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे प्रेम महाविद्यालय का, काशी विद्यापीठ का, महामना मालवीय जी के द्वारा स्थापित किए गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते थे तो स्वामी कल्याण देव जी महाराज के द्वारा स्थापित, उनके ब्राह्मणत्व के आधार पर स्थापित संस्थाओं का, 250 से ज्यादा भी संख्या में हमारा देश ऋषियों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ है। और उसी पृष्ठभूमि को आगे लेते हुए परम पूज्य गुरुदेव के देव संस्कृति विश्वविद्यालय को खड़ा करने का संकल्प हम लोगों ने लिया। 22 जनवरी 2002 को इस उत्तरांचल राज्य के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री सुरजीत सिंह जी बरजाना बरनाला ने एक घोषणा पत्र जारी करके, असाधारण गजट जारी करके इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय को घोषित कर दिया और इसको पूरी तरह से एक स्वचालित तंत्र के रूप में, स्वशासी तंत्र के रूप में शांति कुंज को सौंप दिया। आप इसे चलाइए और आप इसे आगे बढ़ाइए। ये स्थापना इस वर्ष की वसंत पर्व की सबसे पहली उपलब्धि हमारी है मित्रों, जिसे हम जुलाई से आरंभ करने जा रहे हैं। इस तंत्र को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं थी, न सरकार से, न यूजीसी से और न धन कुबेरों से। हमने कहा जिस प्रकार से अंशदान से हम लोगों से इकट्ठा करते हैं पैसा, उसी प्रकार से लोगों के बूंद बूंद अंश से, बूंद बूंद कणकण से हम इस विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे, जिसका बजट 150 करोड़ रुपया है। 150 करोड़ रुपये का निर्माण करने का संकल्प कैसे ले लिया आपने? अपने साधक कार्यकर्ताओं के बलबूते। कई तरह के हमारे पास कार्यकर्ता हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो देते रहते हैं, जिनके पास बहुत कुछ है तो भी वो नियमित रूप से बराबर निकालते रहते हैं और बराबर नियमित रूप से इस गुरुद्वारे को पालते पोसते रहते हैं। उनके ऊपर पूरा विश्वास रख करके हमने इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया। लगभग 15 करोड़ का निर्माण हम लोग कर चुके मित्रों और कहीं किसी प्रकार का हमें अभाव नहीं लगा। लोगों ने पूछा हमसे, मुख्यमंत्री जी जो उत्तरांचल के हैं, जो इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब ये राज बताइए कि आप हमसे बार बार कहे जा रहे हैं कि आप सरकारी मदद नहीं चाहते, हमसे पैसा नहीं चाहते, आप यूजीसी से पैसा नहीं चाहते, आप लोगों से फीस भी नहीं लेंगे, उसी आधार पर आपको 100% एग्जेम्पशन मिलने जा रहा है इनकम टैक्स का, तो फिर ये पैसा कहां से आता है आपके पास? इसका राज हमें भी बताइए कि पैसा कहां से आता है। हमने कहा ये राज आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इस राज के लिए आपको 75 वर्ष पुराने इतिहास को देखना पड़ेगा, उस शिखर यात्रा तक आपको जाना पड़ेगा जिस यात्रा के माध्यम से एक अखंड दीपक जलाया गया था। उस अखंड दीपक के माध्यम से पहले अखंड ज्योति परिवार, अखंड दीपक परिवार, अखंड ज्योति परिवार, गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार और आज एक अखिल विश्व गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ है, प्रज्ञा परिवार जो खड़ा है, उसका एक एक व्यक्ति समर्पित है अपनी छोटी सी कमाई के माध्यम से, अपनी छोटी सी विभूति के माध्यम से, छोटे से श्रमदान के माध्यम से, अपने समय दान के माध्यम से। इतनी बड़ी चीज को आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये राजतंत्र नहीं समझ सकता इस बात को। उनकी समझ में ये बात आ गई गहराई से जब थोड़ी देर बैठ करके उन्होंने समझने की कोशिश की कि अपने आप भी कोई तंत्र इतना बड़ा खड़ा हो सकता है जो सारे विश्व को प्रकाश देने की बात कहे। हाँ मित्रों, आपके सबके श्रम के बलबूते, आप सबकी सद्भावनाओं के और अंदर के संगठन क्षमता के बलबूते हम सब ने संकल्प ले लिया और देखते देखते असंभव काम होता चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई परोक्ष जगत से कोई सूक्ष्म सत्ता काम करा रही हो और उनके कलम चलवा रही हो। सारे नियम, नियमावली, उपनियम सब बनते चले गए, सरकार का जरा भी हस्तक्षेप नहीं है। इसकी पूरी की पूरी समस्त विश्वविद्यालय के जो संचालिका के रूप में आपके जीजी हैं जो उसके संचालन करेंगी और इनके मार्गदर्शन के अंतर्गत सारे के सारे कार्यकर्ता काम करेंगे और वो कार्यकर्ता आप सब लोग होंगे और हम सब लोग होंगे, कोई और कोई नहीं होगा। कहीं किसी प्रकार से किसी और के हस्तक्षेप की कहीं